आगे प्रोजेक्ट्स के लिए बजट नहीं है फारूक। हाँ सही कहा, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा अगर उन्हें पता चला कि मैंने पर्सनल कंप्यूटर यूज किया है। अरे अगर उनका पैसा हमने वाइट नहीं किया तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। उन्होंने बताया हम ये रिसीव्ड होटल रेनोवेशन में ऐड कर देंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम कितना रद्दोबदल कर सकते हैं फारूक। राइट, ये आसान होता अगर तुम बॉस होते। अकरम साहब, उन्हें अपने आखिरी दिनों में वर्ल्ड टूर करना चाहिए था, मगर उन्हें काम की फिक्र है। देखो जरा, उन्होंने अपने दोनों बेटों को और मुझे बर्बाद कर दिया सिर्फ अपने मतलब के लिए। मुझे माफ करना, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। क्या हम उस प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं जिस पर सेलीन काम कर रही है? नहीं, उसका बजट ज्यादा नहीं है। हम बस एक बच्चों का कमरा बना रहे हैं और सिर्फ एक कैबिनेट लगानी है। हमें कुछ चाहिए जिसका बजट हायर हो। हायर फारूक। क्या रेनोवेशन के लिए वो चेक नहीं करेंगे? मिसाल के तौर पे आज जैसा एक्वा का फार्म हाउस, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, कोई नहीं गया है वहाँ पर मुद्दत। हमें ये प्रोजेक्ट फाइल चाहिए। उसकी ड्राइंग मैं बना दूंगा और कहेंगे किसी और से करवाया है और बहुत आसान हो गई। हाँ चलो फिर ठीक है। ठीक है तो फिर हम वहाँ से शुरू करते हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस ये सोचना कि इस अमाउंट को किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। फारूक ये क्या कर रहे हो? मैं इसे संभाल कर रख रहा हूँ। तुमने कहा था हमारी टीम में जासूस है, एहतियात करना होगा। हमें उन पिक्चर्स का भी कुछ करना होगा। ये मामला किसी वक्त भी बिगड़ सकता है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि फोकस हम इस पर रखें। हाँ अगर मरते नहीं भी हैं तो हमें जेल तो फिर भी जाना पड़ेगा। ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो और चलो चलो। क्या कर रहे हो? ये मैं अपने दोस्त के लिए बना रहा हूँ सेलीन। तो क्या हुआ, लेकिन उसे बंद क्यों कर दिया? तुम्हें लगता है आइडिया चुरा लूंगी तुम्हारा? सेलीन मैं तो बस ड्रॉ कर रहा था, तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे? हाँ पूछूंगी, अगर तुम गुस्सा ना करो तो। हाँ बुराक, हम दोनों ने तो एक साथ काम किया है ना, एक तुम ही तो थे जो मेरी मदद करते थे, प्लीज इसे तब्दील मत करना। हाँ समझता हूँ, ऐसा ही रहेगा सब। पूछो क्या पूछना है। मैं एक रूम डिजाइन कर रही हूँ बिल्लियों के होटल जैसा, मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बुराक, प्लीज मेरी मदद करो ना। क्या तुम्हारा क्लाइंट कैट्स के लिए होटल बनाना चाहता है? दमीर साहब ने कहा है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए करना पड़ेगा। क्या तुमने कभी ऐसा काम किया है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेलीन हमारा काम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उन्हें पूरा करना है बगैर किसी ऑब्जेक्शन के, क्योंकि पैसा उनका है। मेरा मतलब है ये हमारी जॉब ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो जिम रूम बना देना चाहिए इसे। लेकिन क्लाइंट को तो ये पसंद है, ये देखो मैंने ऐसा बनाया है इसे, देखो। सेलीन अच्छा मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त जाओ क्योंकि मुझे फोकस करना है अपने काम पर, जिसने आइडिया दिया है उसी से हेल्प मांगो तो बेहतर। तुमने ठीक कहा, मैं जा रही हूँ। इबू को कॉल कर लो ना तुम, वो यकीनन मदद कर सकता है तुम्हारी। हाँ ठीक कहा तुमने, मुझे इबो को कॉल करनी चाहिए। हाँ